तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लैपटॉप में कोई भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हो, मैंने अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, क्रोम डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, पीडीएफ रीडर डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। अकॉर्डिंगली अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अलग अलग जगह बताऊंगा जहाँ से आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। क्योंकि मोबाइल के केस में तो आपको सारा एप्लीकेशन लगभग प्ले स्टोर पर ही मिल जाता है, लेकिन लैपटॉप के केस में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो जैसा कि आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होता है जहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, उसी तरह से आपके विंडोज़ लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ढूंढने के लिए और ओपन करने के लिए सिंपली आप सर्च में आ जाओगे और यहाँ सर्च में आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। उसके बाद यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन दिख जाएगा, सिंपली इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिखेगा, सर्च एप्स गेम्स मूवीज एंड मोर। तो मोबाइल के प्ले स्टोर पे भी आपको एप्स गेम्स और मूवीज सब कुछ मिलता है, यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको टॉप एप्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करना हुआ तो नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको सजेस्ट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप अपने लैपटॉप में व्हाट्सअप चलाना चाहते हो तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, टेलीग्राम। तो यहाँ पे मान लो मुझे इनमें से कोई भी इंस्टॉल नहीं करना है, मुझे फेसबुक इंस्टॉल करना है। सिंपली यहाँ पे मैं सर्च में जाकर के सर्च करूँगा फेसबुक। फेसबुक सर्च करने के बाद यहाँ पे मुझे फेसबुक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गेट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाता है। अब अगर डाउनलोड होके इंस्टॉल होने के बाद आपको एप्लीकेशन अपने डेस्कटॉप पे दिखाई नहीं देता है तो एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पे लाने के लिए सिंपली आप यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ आपको लिस्ट में से ढूंढ लेना है स्क्रॉल करके फेसबुक, तो ये ऐप से स्टार्ट होगा, तो ऐप से मुझे यहाँ पे दिख जाता है। सिंपली अब इसको अपने डेस्कटॉप पे लाने के लिए इसको आप होल्ड करके ड्रैग करोगे और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे फेसबुक का आइकन दिख जाता है। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको डेस्कटॉप पे लाना हो तो यही तरीका है, स्टार्ट में जाना है और एप्लीकेशन को ड्रैग करके ले आना है और इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से गेम्स वगैरह भी डाउनलोड करना हुआ तो यहाँ पे अलग से सेक्शन मिलता है गेम्स का। यहाँ पे आपको कुछ पेड गेम्स भी मिलते हैं। अगर यहाँ पे मनी लिखा हुआ है, कुछ पैसा लिखा हुआ है, तो ये पेड गेम है। अगर यहाँ पे फ्री लिखा है तो आप इसको फ्री में डाउनलोड करके खेल सकते हो। तो अकॉर्डिंगली यहाँ से आप गेम भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं इस गेम को डाउनलोड करना चाहूँगा तो इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं गेट पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे ही आपको सारा एप्लीकेशन नहीं मिलता है, कुछ एप्लीकेशंस आपको गूगल से भी डाउनलोड करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप अपने लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लोगे जो आप यूज़ करते हो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, क्रोम हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, जो भी आप यूज़ करते हो उसे ओपन कर लेना है। तो मैंने क्रोम को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, टैब को मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। अब गूगल से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक साइट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला है en.softonic.com। इस वेबसाइट से आप अपने लिए एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो या फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे भी आपको ट्रेंडिंग एप्स दिख जाएंगे, विंडोज़ के लिए, एंड्रॉयड के लिए, मैक के लिए, आईफोन के लिए, और यहाँ पे भी आपको टॉप एप्स दिख जाते हैं डाउनलोड करने के लिए। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जहाँ से आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो, वो है filehippo.com। ये वेबसाइट, यहाँ से भी आप किसी सॉफ्टवेयर को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। मान लो मुझे VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड करना हुआ ताकि मैं उसमें वीडियोस वगैरह प्ले करके देख सकूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे VLC मीडिया सर्च किया, मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि आपको 64 बिट और 32 बिट दो ऑप्शन मिल रहा है। तो ये क्या चीज़ है, इसे भी आप समझ लो। तो जिस भी बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है, कोशिश करें कि आप उसी बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो। वैसे आप किसी भी बिट का डाउनलोड करो, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो आप सॉफ्टवेयर भी 64 बिट का ही डाउनलोड करो। अब कैसे पता चलेगा कि आपके लैपटॉप में कौन सा बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे पता करने के लिए सिंपली आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लोगे। दिस पीसी पे क्लिक करना है, इस पे आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि सिस्टम टाइप अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम किस बिट का है, अर्थात यहाँ पे मेरे पास 64 बिट का है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हुआ तो मैं 64 बिट का करूँगा, अर्थात ये वाला करूँगा यहाँ से।
फिर से आपको डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो एक exe फाइल डाउनलोड होता है .exe, देख सकते हो इस फाइल का एक्सटेंशन है .exe। तो अगर आप गूगल से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो जो उसका एक्सटेंशन होगा उस फाइल का .exe होगा, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तो डायरेक्टली वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, गूगल से डाउनलोड करने पे सबसे पहले उसका सेटअप फाइल डाउनलोड होता है जिसका एक्सटेंशन होगा .exe। आपको इसे डाउनलोड करके बाद में इंस्टॉल भी करना होता है। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपको लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करके ओके कर देना होता है। बाकी टैब्स मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। लगभग सारे सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है। exe सेटअप फाइल को इंस्टॉल करने के लिए बस आपको उस पर डबल क्लिक करना होता है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना होता है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना होता है और फिनिश। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल होने के बाद आपको सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे दिख जाता है। अगर डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर नहीं दिखता है तो जैसा कि मैंने आपको प्रोसीजर बताया, आप यहाँ स्टार्ट में जाओगे और जहाँ पे भी सॉफ्टवेयर है आप उसको ड्रैग करके डेस्कटॉप पे ला सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे नेटफ्लिक्स को डेस्कटॉप पे लाना हुआ तो यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रैग करके ला सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको पूरा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप में चलाना है तो इसके लिए अलग अलग इमुलेटर आता है, एंड्रॉयड इमुलेटर। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कैसे आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हो एक इम्यूलेटर के माध्यम से जिसका नाम है ब्लू स्टैक्स।